हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गर्मी जो है नॉर्थ इंडिया में बेशुमार पड़ रही है, तो इस गर्मी में अगर आपकी कार का एसी भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि चार ऐसे मेन दिक्कत जो आपकी एसी सिस्टम में आ सकती है जिसकी वजह से आपकी जो कूलिंग है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम से जो है परेशान है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को के बाद जरूर कर लेना। दोस्तों देखो, नंबर वन दिक्कत क्या आ सकती है कि जो हमारी कार में एसी लगा हुआ है, अगर ये एसी एयर कंडीशन सिस्टम लो चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, जो गैस है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रेशर है, जो कंप्रेसर में जो आपका प्रेशर है वो लो रहेगा और आपका जो कूलिंग है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप अपने घर में खुद सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है या आपको प्रॉब्लम है तो आप बाहर दुकान पर जाके भी जो लोकल मैकेनिक होते हैं या अपनी जो कार का सर्विस वहां पे जाके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सिंपली आपको जो गैस है वो टॉप अप करवानी है, चाहे तो आप खुद जो किट आती है उसके थ्रू कर सकते हैं, या आप जो है बाहर जाके अपने एसी को चार्ज कर सकते हैं, जो आपका कूलिंग सिस्टम है यानी कि जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है वो आप डलवा सकते हैं। ठीक है, नंबर टू दिक्कत क्या होती है दोस्तों, कि जो रेफ्रिजरेंट है वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। अगर आपका रेफ्रिजरेंट कहीं लीक कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्टम में जो प्रेशर है वो लो होगा और आपका कंप्रेसर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ही जो कूलिंग होती है वो सही तरीके से नहीं डेवलप हो पाती है। तो आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे क्या होता है ना, ये जो एसी सिस्टम है इसमें बहुत सारे होसेस कनेक्शन होते हैं, तो वो कहीं से कुछ लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लो आपको जो है लीकेज समझ में आ जाती है, आप लीक पकड़ लेते हैं कहीं से, कहीं किसी कनेक्शन से, होस कनेक्शन से, कहीं जॉइंट ऐसा है जहां से आपको लगता है कि रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है, तो उसको आप जल्दी से सॉर्ट आउट करो। अगर फिर भी आपका जो कूलिंग है वो सही तरीके से नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी आपने पकड़ लिए जहाँ से जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो लीक कर रहा है। दोस्तों, नंबर तीन दिक्कत क्या होती है, कार में हमारे नीचे कंडेंसर लगा होता है। ठीक है, अब ये जो कंडेंसर होता है, ये ऐसे कंडेंसर तो काम करता है और साथ में एवोपरेटर भी काम करता है। ये कंप्रेसर को हेल्प करता है, कंप्रेसर में जो आपकी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली जो गैस होती है उसको ये इस कंडेंसर या आप जो है एवोपरेटर की मदद से उसको ठंडी हवा में वो कन्वर्ट करता है, यानी कि कूल लिक्विड में ये कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये जो कंडेंसर है ये ब्लॉक है, तो आपको इसकी जल्दी से जल्दी क्लीनिंग करानी है हाई प्रेशर से, या तो आप खुद घर में जो है इसको क्लीन कर सकते हैं पानी की मदद से। अगर फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है तो आप जो है लोकल मैकेनिक को पकड़ के इसको प्रॉपर इसका क्लीनिंग का ट्रीटमेंट होता है, जो ये आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो अगर ये ब्लॉक्ड है। ठीक है, कई बार दिक्कत आ जाती है जब गाड़ी बहुत पुरानी होती है या आप ऐसे एनवायरमेंट में गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम समस्या बन सकती है। दोस्तों, नंबर चार, कार का जो एसी कंप्रेसर है वो खराब हो गया। अगर क्योंकि देखो क्या होता है, जो एसी कंप्रेसर होता है ना वो रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर में पावर देता है, जिसकी वजह से ही वो सही तरीके से काम कर पाता है। तो अगर मान लो कंप्रेसर ही खराब हो गया आपका, तो वो सही तरीके से हाई प्रेशर पे पावर नहीं दे पाएगा रेफ्रिजरेंट को, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं आ पाएगी। तो अगर एसी कंप्रेसर फेल हो गया, खराब हो गया, तो आपको कंप्रेसर की जो है फटाफट जांच करा लेनी है और उसको ठीक, जो भी उसका ट्रीटमेंट बनता है वो करा लेना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको शॉर्टकट और किस वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि आप खुद भी ये चीज चेक कर सकते हैं। तो अगर ये चार दिक्कत आप लोग समझ लें एक बार, एक नेकेड आई से ओवरव्यू ले लें, तो मे बी ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर नहीं फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, तो फिर तो रास्ता बनता है मैकेनिक या गैराज पे जाके आप अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम को, एसी की प्रॉब्लम को खासतौर से दूर कर सकते हैं, क्योंकि सफर करना कब सफर हो जाए, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इट्स बेटर टू लेट। तो आप जल्दी से अपनी जो एसी में जो सिस्टम में कुछ खराबी आ रही है वो जल्दी से ठीक करा लें, ताकि आपका जो सफर है वो सुहाना हो जाए, कुछ भी उस पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो दोस्तों होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।